नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RBSC with HSM में। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वारा अंडर ग्रेजुएट एडमिशन 2021 से 2022 के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रथम अस्थायी वरीयता सूची जारी कर दी गई है। इस वीडियो के माध्यम से हम अस्थायी वरीयता सूची को किस प्रकार डाउनलोड करना है के संदर्भ में विस्तारपूर्वक चर्चा इस वीडियो में करेंगे। साथ यह भी जानेंगे कि जिन विद्यार्थियों को प्रथम अस्थायी वरीयता सूची में स्थान मिला है वे विद्यार्थी आगे क्या करेंगे। सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे ही वेबसाइट पर लॉगिन होंगे हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। एडमिशन एग्जामिनेशन रिजल्ट दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। वेबसाइट को स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करने के दौरान हमें एडमिशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 2018 से 2019 का लिंक दिखाई देगा। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। वेबसाइट को स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करने के दौरान हमें व्यू मेरिट लिस्ट एकेडमिक सेशन 2021 से 2022 दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने मेरिट सूची का ऑप्शन दिखाई देगा। एकेडमिक सेशन 2021 से 2022 सेलेक्ट कोर्स दिए गए लिंक पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं, हमारे सामने अंडर ग्रेजुएट का ऑप्शन दिखाई देगा। दिए गए लिंक पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे आर्ट्स कॉमर्स लॉ साइंस। हम आर्ट्स को यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इसके पश्चात फर्स्ट ईयर दिए गए लिंक पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं, हमारे सामने 24 अगस्त 2021 फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एजुकेशन की एन कॉलेज फॉर वुमेन स्टडीज इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिंग स्टडीज सेल्फ फाइनेंस सीड SFS फैकल्टी ऑफ आर्ट्स KN कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिंग स्टडीज डाउनलोड दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। मेरिट लिस्ट इज बेस्ड ऑन द डिटेल फील्ड बाय द कैंडिडेट विच नीड टू बी वेरीफाइड फिजिकली बाय द कॉलेज। द एडमिशंस विल रिमेन स्ट्रिक्टली प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू वेरीफिकेशन ऑफ मार्कशीट वेटेज एंड रिजर्वेशन सर्टिफिकेट बाय ऑथेंटिक एजेंसी। टोटल सीट यहाँ 576 हैं और वैकेंट सीट यहाँ 576 दी गई है। लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स इन ऑर्डर ऑफ कैटेगरी BA फर्स्ट ईयर आर्ट्स ग्रुप GAS कट ऑफ मार्क्स फर्स्ट रेफर इंस्ट्रक्शन बिलो यहाँ दिया गया है। सेंशन 288 64 OBC 98 92 सेशन 69 29 और 18। जनरेट डेट है 24 अगस्त 2021 की। सिलेक्शन कैटेगरी अनरिजर्व्ड के संदर्भ में हम यहाँ जानकारी ले सकते हैं। कैटेगरी वाइज यहाँ जो रैंक वाइज है परसेंटेज वाइज यहाँ पर जो डिटेल्स दी गई है इसको हम डाउनलोड करके आसानी से अपना जो नाम है आसानी से चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से जो सूची है वो जारी की गई है। टोटल कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 649 जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सूची यहाँ पर जारी की गई है। इसी तरह से हम अंडर ग्रेजुएट साइंस की अगर बात करें कॉमर्स की बात करें तो यहाँ कॉमर्स पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं, यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे BCom फर्स्ट ईयर तो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह से सेल्फ फाइनेंस सीट SFS और यहाँ गवर्नमेंट एडेड सीट GAS के संदर्भ में जानकारी हम आसानी से ले सकते हैं।
इसी प्रकार हमें यहाँ सेलेक्ट करना होगा कॉमर्स को, साइंस को, और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर। जैसे हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन हमें आ जाएगा। फैकल्टी ऑफ साइंस केन कॉलेज फॉर वुमेन स्टडीज़ के संदर्भ में यहाँ हम जानकारी आसानी से ले सकते हैं। तो इस तरह से हम आसानी से अपना जो मेरिट लिस्ट है डाउनलोड कर सकते हैं। अब जिन अभ्यर्थियों को अस्थायी वरीयता सूची में स्थान मिला है उन्हें क्या करना होगा, व्यू ऑल न्यूज़ एंड इवेंट्स दिए गए लिंक पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस प्रकार का जो इंटरफेस है दिखाई देगा। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स की प्रथम अस्थायी वरीयता सूची जारी कर दी गई है, कृपया वेबसाइट पर देखें। तो हम देख चुके हैं किस प्रकार हमें देखना है। जिन विद्यार्थियों का नाम अंडर ग्रेजुएट कोर्स की प्रथम अस्थायी वरीयता सूची में है, आप अपने फॉर्म की हार्ड कॉपी आवश्यक दस्तावेजों के साथ 31/8/2021 अंतिम तिथि तक संबंधित संकाय या विभाग जमा करवाए तथा फॉर्म को ऑनलाइन सत्यापित करवाकर शुल्क 31/8/2021 अंतिम तिथि तक जमा करवाएं। दस्तावेज सत्यापित करवाने तथा एडमिशन फीस जमा कराने की अंतिम तिथि एक ही है, अर्थात हमें फॉर्म की हार्ड कॉपी और आवश्यक दस्तावेज 31/8/2021 तक जमा कराने, और इसी के साथ में ऑनलाइन जो फीस जो जमा कराना है वो भी हमें 31/8/2021 तक ही जमा कराना होगा। तो यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण जो सूचना है जारी की गई है। किसी भी प्रश्न की स्थिति में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न अवश्य रखें। इस चैनल के माध्यम से आपके हर संभव प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहे RBSE with HSM के साथ। जय हिंद, जय भारत।